नीट के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा सोमवार तक स्थगित। सरकार ने कहा जवाब देने को तैयार, लेकिन विपक्ष ने अभिभाषण से पहले नीट पर बहस को बताया जरूरी। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। सुधांशु त्रिवेदी बोले नेहरू और मोदी की तुलना नहीं हो सकती। नेहरू जी और मोदी जी में कोई तुलना नहीं है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि मोदी जी नेहरू जी की तुलना में एक अतुलनीय प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने यह अतुलनीय उपलब्धि हासिल की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत। जमीन घोटाले में 31 जनवरी को हुए थे गिरफ्तार। बारिश में दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत का हिस्सा गिरने से एक शख्स की मौत, जाने वाली कई उड़ानें रद्द। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने एयरपोर्ट पहुंचकर घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। पहली ही बारिश में राजधानी दिल्ली में पानी की निकासी की खुल गई पोल। मिंटो ब्रिज समेत कई जगह पानी भरने से थम गई राजधानी की रफ्तार। जम्मू से अमरनाथ तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था रवाना। 29 जून को बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे श्रद्धालु। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा भारत, इंग्लैंड को 68 रन से हराया। 29 जून को फाइनल में दक्षिण अफ्रीका से होगी भिड़ंत। आइसक्रीम में कटी उंगली मामले में डीएनए जांच से हुआ बड़ा पर्दाफाश। पैकिंग के दौरान पुणे की कंपनी के असिस्टेंट ऑपरेटर मैनेजर की कटी थी उंगली। नीट पेपर लीक मामले की जांच, मास्टरमाइंड का पता लगाने के लिए एक्शन में सीबीआई, गिरफ्तार 13 अभियुक्तों से। बेऊर जेल में होगी पूछताछ, आरोपी रॉकी के नेपाल भागने की जानकारी।